हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे। एक बार अगर आपने पूरी वीडियो देख ली तो आपका वैल्यू एडेड स्टेटमेंट के थ्योरेटिकल पोर्शन में तो कोई डाउट रहेगा नहीं, ठीक है। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करवाएंगे, जिससे कि आपको पूरी की पूरी वैल्यू एडेड स्टेटमेंट का जो टॉपिक है कवर हो जाएगा। तो आज जानते हैं वैल्यू एडेड स्टेटमेंट होती क्या है। देखो, नाम से स्पष्ट है, वैल्यू एडेड यानी कि कुछ वैल्यू एड करना, उसको हम क्या बोलते हैं, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। अब किसमें एड करना है ये भी समझते हैं। वैल्यू एडेड इज द चेंज इन मार्केट वैल्यू रिजल्टिंग फ्रॉम एन अल्टरेशन इन द फॉर्म लोकेशन और अवेलेबिलिटी ऑफ ए प्रोडक्ट। इट मीन्स हमें वो किस प्राइस में मार्केट में अवेलेबल हो रही है, इसका मतलब उसका सेलिंग प्राइस क्या है, और सर्विस एक्सक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ बोथ इन मेटेरियल एंड सर्विस। इट मीन्स जो प्रोडक्ट हमें कितने रुपए में अवेलेबल हो रहा है, यानी कि उसका सेल्स प्राइस माइनस रॉ मेटेरियल, उस सर्विस पर या उस गुड्स पर हमने रॉ मेटेरियल कितना लगाया है, वो हमारी क्या निकल के आएगी, वैल्यू एडेड। इसका मतलब क्या है, मान लो हम एक प्रोडक्ट है वो कितने रुपए का सेल कर रहे हैं, 500 का, 500 रुपए का हमें वो मार्केट में वो प्रोडक्ट मिल रहा है, इसका मतलब उसका सेलिंग प्राइस क्या है, 500 रुपए। लेकिन उस पर जो खर्चा लगा है वो कितना है, 100 रुपीज। 100 रुपीज के सामान से हमने जो प्रोडक्ट तैयार किया है वो कितने रुपए का सेल करे, 500 रुपए का। तो जो 400 रुपए है, जो 400 है, वो क्या है, वो है वैल्यू एडेड, यानी कि उस प्रोडक्ट में रॉ मेटेरियल के अलावा जो भी वैल्यू एडेड की गई है उसे हम वैल्यू एडेड कहते हैं। या फिर इसे ये कह सकते हैं कि सेल्स में से अगर रॉ मेटेरियल के प्राइस को हम लेस कर देते हैं तो जो हमारी वैल्यू आती है वो क्या आती है, वैल्यू एडेड, ठीक है। इसे दोनों तरह से कह सकते हैं, आंसर सेम आएगा। मान लो हम ये कहें, ठीक है, कि वैल्यू एडेड क्या है, सेल्स में से रॉ मेटेरियल लेस कर दिया, ठीक है, उसको हम क्या कह रहे हैं, वैल्यू एडेड। या फिर रॉ मेटेरियल में जितनी कॉस्ट ऐड हुई है उसे भी क्या कह सकते हैं, वैल्यू एडेड। बात वही है, उसे चाहे हम किसी भी तरीके से कहें। तो कई बार इसे कंफ्यूजन हो जाती है क्लियर, कि कहीं पर कुछ डेफिनेशन है कहीं पर कुछ डेफिनेशन है, बट आप कंक्लूजन निकाल के देखना, इसकी जो डेफिनेशन है वो यही निकल के आएगी कि रॉ मेटेरियल में जो भी आप ऐड कर रहे हो, सैलरी लग रही है, वेजेस लग रहा है, डेप्रिसिएशन, वो सारा अमाउंट हमारा किसका है, वैल्यू एडेड का है, ठीक है। अब इसकी एडवांटेज देखते हैं कि इसको वैल्यू एडेड स्टेटमेंट हमारे पर आने के फायदे क्या क्या हैं। सबसे फर्स्ट और मेन बेनिफिट है इसका, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट इज अ की मेजर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ वेल्थ क्रिएटिंग एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में ये किसका परफॉर्मेंस, जो उसकी वो वेल्थ क्रिएट करने का काम करती, कैसे, जैसे वैल्यू एडेड जो होती है, अगर हम उस वैल्यू को अलग से निकाल लेते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, अपने आपस के या फिर किसी और कंपनीज के डाटा के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में कितनी वैल्यू और ऐड हो रही है और अदर्स कंपनी कितनी कर रही है, हमारी ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है। एम्प्लॉयज़ को भी पता चल जाता है कि कितना पोर्शन है तुम्हारा, क्योंकि जो वैल्यू एडेड निकल के आएगी इसके बाद अलग अलग वैल्यू कैलकुलेट की जाती है कि सैलरीज का इतना रेशो है, इसमें वेजेस का इतना रेशो है, गवर्नमेंट के टैक्सेस का इतना रेशो है, तो उससे क्या है, अलग अलग रेशो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद इट इज अ गुड मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग द इंटरप्राइजेस फाइनेंशियल रिजल्ट टू एम्प्लॉई, शेयर होल्डर एंड गवर्नमेंट। वो इसी में आ गया, देखो मेन यही है और इसी से ये बाकी सारे पॉइंट निकल रहे हैं कि गवर्नमेंट, शेयर होल्डर और एम्प्लॉयज है, उनको अपने क्या क्या है, अलग अलग पता चल जाता है।
जाती है कि भाई आपका कितना इसमें रेशो है। तो ये क्या है, एक अच्छा मेथड्स है उन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाने का। इम्प्लॉयज मोरल कैन बी इम्प्रूव्ड। देखो अगर हमें ये बता दिया जाए कि आपका इतना परसेंट इसमें ऐड हो रहा है तो उनको क्या है, मोटिवेट होते हैं इम्प्लॉयज काम करने के लिए और ज़्यादा, ताकि उनका जो जितनी ज़्यादा सेल होगी उतना ही ज़्यादा उनका भी क्या होगा, वेजेस या सैलरी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इससे क्या होता है, उनका इम्प्लॉयज का मोटिवेशन बढ़ता है। उसके बाद वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, अवॉइड अनड्यू इंफेसिस ऑन वन एस्पेक्ट्स ऑफ परफॉर्मेंस नेमली प्रॉफिट। यानी कि देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी अगर स्टार्ट करते हैं तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या माना जाता है, प्रॉफिट। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट ही है। हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं तो उससे क्या निकल के आता है, हमारा प्रॉफिट निकल के आता है। बट वैल्यू एडेड स्टेटमेंट अगर बना रहे हैं तो प्रॉफिट के साथ साथ हमारे क्या है, इम्प्लॉयज का रेशियो, गवर्नमेंट में कितना दे रहे हैं, इन सभी की रेशियो क्या है, कैलकुलेट होके आ रही है। तो जो हमारा ओनली वन मोटिव प्रॉफिट को क्या करती है, ये इग्नोर करती है, सिर्फ प्रॉफिट को लेकर नहीं चलती, उसके साथ साथ हमें और भी रेशियो पता चलती हैं। तो इसके साथ साथ इसका एक ये भी हो सकता है कि इससे क्या है, जो इम्प्लॉयज है उनको अपनी सैलरी वेजेस का रेशियो पता चल जाता है, एक रेशो क्रिएट हो जाती है जिसका हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। तो इस तरह से इसके एडवांटेज और भी पॉइंट बनाए जा सकते हैं, लेकिन जो हमने मेन पॉइंट थे वो आपको डिस्कस किए हैं कि वैल्यू एडेड स्टेटमेंट क्या होती है और इसके एडवांटेज क्या क्या हैं। तो एक बार फिर देख लेते हैं, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट इज द चेंज इन मार्केट वैल्यू रिजल्टिंग फ्रॉम एन अल्टरेशन। अल्टरेशन का मतलब क्या होता है, अलग करना, इन द फर्म लोकेशन और अवेलेबिलिटी ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस एक्सक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ बोथ इन मटेरियल एंड सर्विस। यानी कि जो हम सर्विस या जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसकी प्राइस में से हमें क्या करना, रॉ मटेरियल का प्राइस अलग निकाल देना, तो वो क्या आ जाती है, वैल्यू एडेड आ जाती है। फिर इसकी एडवांटेज क्या क्या है, ये सबसे मेन जो एडवांटेज है वो क्या है, वेल्थ क्रिएट होती है, इम्प्लॉयज को इस पर विश्वास होता है, उनका मोरल, उन्हें मोटिवेशन मिलता है कि भाई इतना परसेंटेज आपका है तो आप और ज़्यादा काम करने के लिए वो क्या होते हैं, अग्रेसिव होते हैं। और इसके साथ साथ उनकी रेशो का पता चल जाता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, दो ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजेशन के पास्ट के ईयर्स का प्रेजेंट्स के ईयर्स के साथ कंपैरिजन पॉसिबल हो सकता है। तो ये थी हमारी वैल्यू एडेड स्टेटमेंट और इसके एडवांटेज, और वैल्यू एडेड स्टेटमेंट्स के टाइप भी आ जाते हैं, कई बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक होता है हमारा ग्रोस वैल्यू एडेड और एक होता है हमारा नेट वैल्यू एडेड। अगर डेप्रिसिएशन को हम वैल्यू एडिड में ऐड करके रखते हैं तो उसे बोलते हैं ग्रोस वैल्यू एडिड, और अगर डेप्रिसिएशन को हम क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं, इसका मतलब वैल्यू एडिड में से अगर डेप्रिसिएशन को घटा देते हैं तो क्या बचेगा, नेट वैल्यू एडिड। इसके ऊपर सभी की अपनी अपनी राय है, सभी कोई ग्रोस वैल्यू एडिट को सही मानता है, कोई नेट वैल्यू एडिट को सही मानता है, सभी की अपने अपने इसके पीछे रीजन दिए गए हैं। तो अगर क्वेश्चन में ना कहा गया हो कुछ भी कि आपको क्वेश्चंस में क्या निकालना है, तो आपको ग्रोस वैल्यू एडिट निकालनी है, अगर स्पेशली मेंशन है तो आपको नेट वैल्यू एडिट या जो ग्रोस वैल्यू एडिट जो कहा गया है वही निकालनी है, और कुछ भी नहीं कहा गया है तो आपको ग्रोस वैल्यू एडिट यानी कि डेप्रिसिएशन को हमें वैल्यू एडिट में ही लेकर चलना है। क्योंकि कई इसको क्या मानते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मानते हैं, कोई ये कहते हैं कि भाई इसको आप रॉ मटेरियल में इंक्लूड कीजिए क्योंकि इसके क्या है, वैल्यू कम होती जा रही है। लेकिन कई जो इसको ये मानते हैं कि लेस नहीं करना चाहिए, तो वो ये कहते हैं कि रॉ मटेरियल कैसे, ये तो कई साल तक मशीनरी हमारी क्या चलती रहेगी, ठीक है, तो इसको लेस नहीं करना चाहिए। तो सबके अपने अपने मत हैं, अगर हम लेस कर देते हैं तो हमारी नेट वैल्यू एडिड आ जाती है, और डेप्रिसिएशन को अगर वैल्यू में इंक्लूड करके चलते हैं तो हमारी क्या आती है, ग्रोस वैल्यू एडिड आती है। आई होप आपको वैल्यू एडिड कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या इसके एडवांटेज है, क्या क्या इसके प्रॉफिट है और इसका मीनिंग क्या है।
एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन की हेल्प से इसका और भी जो एक दो डाउट है आपके वो भी क्लियर हो जाएंगे। इसका जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो हम कल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारी वीडियो कैसी लगी, अगर आपको कोई भी हमें राय देनी है कि भाई इस यहाँ से आपकी थोड़ी सी क्लियरिटी कम है और ज़्यादा अगर आप कुछ बताना चाहते हो जिससे कि हम अपनी वीडियो में इम्प्रूवमेंट कर सकें तो हमें ज़रूर बताइएगा, हमें बहुत खुशी होगी। थैंक यू।